हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, बस मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है। और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हिना जॉली हिमाचल लाइफ में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो, कोरोना से सुरक्षित हो। और यहाँ पे मम्मी और मासी है मेरे, ये भी मार्केट चले हैं मेरे साथ। तो मैं मार्केट तो फिर गई नहीं क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा संजीवनी। ये मम्मी आपको हाय कर रहे हैं मेरे, और ये मेरी मासी जी है आपको हाय कर रही है। और इनके साथ मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की हॉस्पिटल में संजीवनी में, तो मैं उनके पास जा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी और मासी चले हैं और पीछे मैं भी चली हूँ। तो सीढ़ी से थोड़ा टफ है आजकल चलना क्योंकि यहाँ पर काम चला है। मासी, और देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऑटो के लिए आ गए हैं सड़क में, बस ऑटो का वेट कर रहे हम तीनों। और यहाँ पे मम्मी और मासी चले गए थे मार्केट, और ये मेरी फ्रेंड राधिका है, और मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ संजीवनी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है उनकी ननद है और दीदी, अभी बस इनको ग्लूकोज चढ़िए क्योंकि इनका बेबी होने वाला है, तो इनको अभी ले जाएंगे क्योंकि इनका सर्जेरियन होगा। तो देखिए अभी ग्लूकोज लगी है, तो इनके साथ हम दोनों ही राधिका है। तो देखिए हॉस्पिटल में काफ़ी ध्यान रखा है, सफाई का बहुत ही साफ़ सुथरा है। और देखिए प्राइवेट में है हम लोग। देखिए फाइनली उनका बेबी इस दुनिया में आ गया, और बेबी गर्ल हुई है, बहुत ही क्यूट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इनके साथ हूँ अभी यहाँ पे, और राधिका दीदी के साथ है। और जो उनके दीदी के हस्बैंड है वो बाहर है क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं, तो हम दोनों अंदर है, एक दीदी के साथ है और एक बेबी के साथ है। और ये ऑक्सीजन है, इसके मुंह के सामने रखने को बोला था। और ये अगले दिन की वीडियो है क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ बर्फ़ है, तो ये बर्फ़ में कहाँ से पहुँच गई रामपुर से, तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स घर आ गई क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। तो मेरे हस्बैंड और मैं आ गए, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे और मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ देखिए गुजर कोठा, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी ये शेयर किया था कि टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आजकल टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गया स्की के लिए, तो काफ़ी बर्फ़ है अभी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये अभी पिछले कल की है, 20 की, हाँ जी 21 20 की है शायद से, हाँ जी। और जो मैंने आपको गुजर कोठा दिखाया है वो घर से आते हुए है। तो यहाँ पे मैं मार्केट में पहुँचने वाली हूँ, जो यहाँ नारकंदा की मार्केट है, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मार्केट पहुँचने वाले हैं, और देखिए हम पहुँचने ही वाले NH में पहुँच गए। तो फ्रेंड्स थोड़े आगे जाके मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मैं आपको मार्केट नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। तो जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया वो आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स, तो ज़रूर बताइए आपको यहाँ का एरिया कैसा लगा नारकंदा का। तो देखिए हमारे यहाँ इतनी बर्फ़ है अभी, तो बस ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सरकारी स्कूल है, इसके साथ ही ऊपर सेकेंडरी स्कूल है। तो यहाँ पे हम थोड़ी आगे पहुँचते, फिर ऊपर को मार्केट है, हम नीचे से जा रहे थे अभी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी आगे आपको पेट्रोल पंप दिखेगा जो नारकंडक है, क्योंकि यहाँ पे हम तेल भरते हैं। और यहाँ से थोड़े आगे गेस्ट हाउस भी है, और आर्मी एरिया भी है, और कॉम्प्लेक्स भी है जो ऊपर को है। तो ऊपर से ही मार्केट है फ्रेंड्स, तो इससे आगे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो जितना था उतना मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। प्लीज़ फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, अच्छा सा ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। ओके बाय, अपना ध्यान रखिए।